इसी तरह से अगर दाँत मिल जाएंगे बच्चे भी हैं, अभी छोटे हैं, नादान हैं, थोड़ा सा समझाने की जरूरत है और कुछ नहीं। और इतना परेशान मत होइए, थोड़ा सा मैं भी देख लूंगी क्या है कैसे। अपनी मैं जमाने डांटते थे लेकिन अब क्लास टू के बच्चे को क्या डांटूं, मार सकते नहीं है। क्लास थ्री में होना चाहिए वो तो अलग बात है, क्लास टू में होना चाहिए, थ्री में होना चाहिए, ठीक है। और बस वही चीज़ है कि पढ़ने में इसका मन नहीं है, केयरलेस है बहुत। इसका नोटबुक वगैरह हम मंगाते हैं तो ढंग से कोई भी वर्क नहीं इसका कम्प्लीट होता है। मैं डांटती हूँ कि आप पेजेस क्यों फाड़ते हो, और हमसे पता है ना, मैं तो देखती हूँ ना क्लास में। होते हैं कभी कभी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चों को मार्क्स नहीं पढ़ाना चाहिए। और होता है कभी कभी बच्चे हैं, अभी छोटा है, मतलब छोटी है, 8 साल की है 7-8 साल की, कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ा उनको लेट में समझ आती है, कुछ बच्चों को बचपन से ही समझ आ जाती है। ऐसा कौन सी आदत खराब हो गई है, मैं आप ये बताइए बच्चा क्या कर रहा है। वो देखिए वो अलग बच्चों में होता है, कुछ बच्चों में थोड़ा सा गुस्सा होता है, ऐसी कोई आदतें नहीं खराब है जिसको लेके आप इतना परेशान हो रहे हो। अभी आ जाऊंगी तो उसको बोल दो किसी को कि देखे रहे अभी हमारे, आप इनको बोल दो, आप इनको मत बोलो। कितनी देर लगेगा तुमको, ज़्यादा भी लग सकता है टाइम, है ना, देर भी हो सकती है। किसी टीचर को बोल दो, आप इनको बोल दो। नहीं नहीं ये आप ही में तुम्हें लगाई थी, मैं इसको यहाँ नहीं लगवाती हूँ, लेकिन अभी मैं बच्चों चले गए नहीं 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 घर पर लगाती यहाँ नहीं। लाइट इधर बहुत तेज आई होगी, लाइट का कोई तार जो है अच्छी बात ट्विस्ट करके जमीन पर तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए ना किसी। मैं पढ़ाती नहीं हूँ, इस टाइम मैं दो पीरियड ले रही हूँ, एक नाइन्थ का ले रही हूँ। और व्हाट हैपेंड, हाँ क्या प्रॉब्लम है साविरा, जनरल क्वेश्चन नहीं आते हैं। नहीं नहीं इसके पास बैठो, अनुज नहीं उसके पास बैठ के उनके पास क्वेश्चन पूछो, कि सर क्या दे सकते हैं क्लास में, कुछ पहले से बैठो 10 क्वेश्चन एटलीस्ट 10 क्वेश्चन होने चाहिए। नेचुरल एनिमल दे दो, बर्ड दे दो, फ्लावर दे दो, 3 आपके यही हो गए, रिवर दे दो, रिवर दे दो, और प्राइम मिनिस्टर दे दीजिए आप, और ये गवर्नर दे दीजिए, और आप कहाँ पे तहसील दे दीजिए, आपके जहाँ रहते हो क्या नाम है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील कौन सी लगती है, तो सब जनरल नॉलेज का दो, ठीक है। तो बच्चों को तो ये तो मालूम होना चाहिए।
आपके स्कूल का क्या नाम है पूरा, बच्चों को लिपस्टिक की, फ्लावर्स की, सारे योर क्लास टीचर नेम, योर प्रिंसिपल नेम, ये सब आना चाहिए ना बच्चों को। कौन से आपका कहाँ पे पढ़ता है, जैसे आचार्य नगर है पूरा, दे दो ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम? विटवीन वाले में देखिए मैडम, हमको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे जो टीचर्स लगे हुए थे 20 इयर्स से जो है, और इधर 10 साल से, इधर 8 साल से, कुछ तो जा चुके देखिए, उसी लालच में वो पड़े हुए थे ठीक है। तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया भाई, अब इसी सी बात है, ड्रॉप करना उनकी मजबूरी है। हाँ एज भी वहाँ कुछ, कोई 50 का हो गया, कोई 40 का हो गया, सब तो क्या पढ़ाता रहेगा। हाँ जिम्मेदारियाँ हैं, और उसके बाद कुछ तो है, वो भी वो लालच वस नहीं है, वो एज एक मतलब कि है टाइम पास, आप समझ लो। हाँ कहीं ना कहीं हम लगे हुए हैं, और स्कूल का क्या है कि हो सकता आज नहीं तो कल को लिस्ट में आ ही जाए। भाई मान्यता प्राप्त स्कूल है आपका, पहला मान्यता प्राप्त स्कूल यही है लिटिल फ्लावर इंटर कॉलेज, हो सकता है आज नहीं कल इसका फ्यूचर हो जाए, चमक जाए। अभी लिस्ट में नहीं आया है, अभी लिस्ट में नहीं आया है, मतलब उस तरह से लिस्ट में नहीं आया कि अगर गवर्नमेंट को किया जाए यहाँ पे नहीं, तो 6-6 माह में ये जो आपकी जो सरकार बनी है इन्होंने तो किया नहीं था, मोदी सरकार बिल्कुल नहीं तैयार है, तो पहले वाला था। हाँ अखिलेश टाइम जिस टाइम था उस टाइम मिल रहा था मान के, और आई थिंक वही अक्टूबर या नवंबर में कंप्लीट हुआ, और इधर फरवरी में आपके इलेक्शन स्टार्ट हो गए, तो 6-6 महीने का 2 महीना आपका बैंक में सारा मतलब पैसा आया, वो भी 6,000 समथिंग एक आया था बी एड। हाँ वही 12-13 हज़ार लगभग यही आया, नहीं नहीं दो का बता रही हूँ, 2 बार का 10-12 हज़ार सब मिला के। तो ये आया, तो कहते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा, तो है तो कुछ नहीं, लेकिन सरकार के उससे पैसा तो उनके खाते में आ गया, तो कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं, और वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिना प्राइवेट स्कूल के कोई भी बोर्ड की ड्यूटी और इंटर की ड्यूटी जो होती है वो नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं है आप उसको खत्म कर रहे हो तो आप समझ लीजिए क्या करेंगे, कॉपी कौन चेक करेगा, कोई नहीं चेक करेगा। हमारे यहाँ के भाई, हमारे यहाँ के अध्यापक जाते हैं चेक करने, बाकी और भी जितने ऑलमोस्ट हैं लालगंज में वो सब जा रहे हैं ठीक है। आप इनको अभी स्टॉप कर दोगे, आप पूरा अपना बिल्कुल लाने वाले गवर्नमेंट में आप जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाइए, कौन से शिक्षित हैं लग है प्राइमरी में जो पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षित हैं अपने आप को बता रहे हैं कि वो जो है कि पहले ये विषय के का भी चल रहा था ना। हाँ हाँ, तो विषय के का जी के मेरा नाम इलाहाबाद मंडल से आया था, लखनऊ मंडल से मेरी शादी हो गई, हमारे ससुराल वाले लोग बिल्कुल जागरूक नहीं थे, तो आपका तो बी एड और नेट क्वालिफाई है ना, आपका तो आपका नेट क्वालिफाई है आप। अच्छा बी एड सेट प्लस नेट क्वालिफाई जी जी, लेकिन अगर उसे बस वही चीज है आपका टेंशन में क्या करेंगी आप, छोड़िए जब नहीं है नहीं था भाग्य में, क्यों नहीं, नहीं मान सम्मान नहीं है, हम अपना भी एक ये रहता है कि नहीं हम सेल्फ डिपेंड है। आप मानेंगे नहीं, बचपन से ही मतलब जो हमारा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, प्रेस्टीजियस इंटर इस तरह हम पढ़ते चले गए, अच्छे नंबर आते चले गए, और जी जी शुरू से मतलब हमारा थॉट था लेक्चर का इंटर का, जी जी इंटर का लोग की लेक्चर का थॉट का तमन्ना, लेकिन सब तमन्नाएं पूरी हो गई हमारी, वो तमन्ना नहीं।
अब देखिए इच्छाएं अपनी होती हैं लेकिन नहीं पूरी होती उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अच्छा, तो इतना अभी आप अकेले रहते हैं घर में, आप और आपके दो बच्चे? कहाँ पे है विलेज? भोजपुर। आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमारे पास अभी बहुत छोटी बच्ची है आपकी, तो मैं इंसाफी बिल्कुल क्या करेंगी आप उसको, ना इंसाफी समझिए या कुछ भी समझिए, वो जो हमको नहीं थी वो हमारे बच्चों इसीलिए बच्चों दबाव नहीं, उनको आप मोटिवेट करते रहिए, दबाव मत डालिए, किसी चीज का प्रेशर बच्चों पे मत दीजिए, आप बस उनको बोलते रहिए, उनका खुद रुझान बन जाएगा पढ़ाई की तरफ जिस दिन कि मुझे पढ़ना है। और यहाँ की टीचर कम ही होगी, बहुत ही होगी दिमाग नहीं हमारे यहाँ से टीचर। कुसुम मैडम की पीएचडी, कुसुम तो पीएचडी कम्प्लीट था उनसे, नहीं बीएड और टेट क्वालिफाई थी, बीएड और टेट। हाँ उनका घर काफ़ी दूर बन गया है तो यहाँ आने में उनको प्रॉब्लम होती है, और 60 कम्प्लीट भी होने वाली है, वो चीज़ नहीं रह गई है। हाँ काफ़ी दूर से आना जाना, और फिर उनके घर में भी काफ़ी बोलती मैम वर्क भी बहुत है, जबकि हम भी नहीं चाह रहे थे कि वो जाएँ, हमें लग रहा है वो 20 सालों से हैं यहाँ पे। शिक्षा मित्र वालों का भी 10,000 रुपये आए हैं, उसके बाद उनके लिए फिर भी ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल हम मानते हैं, हम भी यही चीज़ मानते हैं। देखिए आपके और हमारे सोचने से नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जो निर्धारित कर देगी, और गवर्नमेंट अगर चाहेगी मुझे ये नहीं करना है, चाहे वो आप हाई कोर्ट से इससे ले लो चाहे जहाँ से इससे ले लो, वो उस पर प्रतिबंध लगा देगी। और बिखरी सी बात है, प्रधान है गांव का, उससे कर दिया उठा के, ठीक है उस टाइम उनके, हाँ सरकारी जब, उसके बाद आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, और कहा तो जा रहा है कि आप टेट क्वालिफाई करिए, टेट क्वालिफाई करिए, आपके अंदर योग्यता है आप टेट क्वालिफाई करिए। लेकिन ये जो निर्णय हुआ है जो बहुत अच्छा, कुछ निर्णय अच्छे हुए हैं कुछ नहीं अच्छे हुए हैं, लेकिन ये जो ये तो सही है, ये तो बहुत अच्छा है। बी एड टेट क्वालिफाई हमारे यहाँ टीचर समझ लीजिए 4,000, 3,000, 5,000 में पढ़ा रहा है जी। शायद कुछ एक दो है अभी जो नीचे ने 2-2.5 लाख क्या होता है आप बताइए, 2-2.5-3 प्रॉब्लम नहीं है, सी बी एस ई बोर्ड तभी तो इसको, मुझे पता है मैम बताती हैं कि आज से 10 साल पहले यहाँ पे एक क्लास में 4 सेक्शन चलते थे, वही तो मैं मैम से पूछती हूँ अभी ऐसा क्या हो गया कि एक सेक्शन में भी इतने स्ट्रेंथ नहीं है आपके, तो यहाँ एक मेन प्रॉब्लम यही बताती है कि मोहल्ले में इतना स्कूल हो गया, बहुत है पढ़ाई के नाम पे जीरो, बिल्कुल हम तो चाहते हैं नहीं नाम, फिर भी सही है कोई भी कम नहीं, अभी फिर भी सही है,
एफबी वाला फिर भी सही है पढ़ाई के मामले में, अभी इंटरनेशनल जयशंकर वाला फिर भी सही है। जी जी नहीं नहीं आप लोग ध्यान देना, व्हाट इज मी हु इज योर होगा माइंडसेट दे टू दिया। यहां पे लिख देना अगर नहीं बात की सही है पता नहीं बच्चे भी हैं अभी छोटे हैं नादान हैं, थोड़ा सा समझाने की जरूरत है और कुछ नहीं, और इतना परेशान मत होइए, थोड़ा सा मैं भी देख लूंगी क्या है कैसे अपने मैं जमा तो डांटते थे लेकिन अब क्लास टू के बच्चे को क्या डांटूं, मार सकते नहीं है, क्लास थ्री में होना चाहिए वो तो अलग बात है, क्लास टू में होना चाहिए थ्री में होना चाहिए ठीक है, और बस वही चीज़ है कि पढ़ने में इसका मन नहीं है, चल बहुत इसका नोटबुक वगैरह हम मंगाते हैं तो ढंग से कोई भी वर्क नहीं इसका कम्प्लीट होता है, मैं डांटती हूँ कि आप पेजेस क्यों फाड़ते हो, और हमसे पता है ना मैं तो देखती हूँ ना क्लास में, वो कभी कभी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चों को मार्क्स नहीं पढ़ाना चाहिए, और होता है कभी कभी बच्चे हैं अभी छोटा है मतलब छोटी है 8 साल की है 7-8 साल की, कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ा उनको लेट में समझ आती है, कुछ बच्चों को बचपन से ही समझ आ जाती है, ऐसा कौन सी आदत खराब होगी हमें आप ये बताइए बच्चा क्या कर रहा है, वो देखिए वो अलग बच्चों में होता है, कुछ बच्चों में थोड़ा सा गुस्सा होता है, ऐसी कोई आदतें नहीं खराब है जिसको लेके आप इतना परेशान हो रहे हो, अभी आ जाइए तो उसको बोल दो किसी को कुछ दिखे अभी हमारे आप इनको बोल दो, आप इनको मत बोलो कितनी देर लगेगा तुमको, ज़्यादा भी लग सकता है टाइम है ना, देर भी हो सकती है, किसी टीचर को बोल दो आप इनको बोल दो नहीं नहीं ये आप ही मैं एक टीचर को मैं लगाई थी, मैं इसको यहाँ नहीं लगवाती हूँ लेकिन मजबूर में बच्चों चले गए नहीं नहीं घर पे लगती हूँ यहाँ नहीं, एक
ये बरामदे में लेता था बाहर वाले लड़का, एक वो ऊपर वाला फैन लाइट इधर बहुत तेज आई होगी, लाइट का कोई चार्ज जो है अच्छी बोला टूट करके जमीन इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए ना किसी आप मैंने मिल ली थी नहीं मैं पढ़ाती नहीं हूँ इस टाइम मैं दो क्लियर ले रही हूँ एक नाइन्थ का ले रही हूँ और व्हाट हैपेंड क्या प्रॉब्लम है साबिरा जनरल क्वेश्चन नहीं आते हैं नहीं नहीं इसके पास बैठो अनुज में पास बैठ के उनके पास क्वेश्चन पूछो कि सर क्या ले सकते हैं क्लास टेन के स्टैंडर्ड के बैठो 10 नेचुरल एनिमल दे दो बर्ड दे दो फ्लावर दे दो तीन आपके यही हो गए रिवर दे दो और प्राइम मिनिस्टर दे दीजिए आप और ये गवर्नर दे दीजिए और आप कहाँ पे तहसील दे दीजिए आपके जहाँ रहते हो क्या नाम है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हो गया तहसील कौन सी लगती है तो सर जनरल नॉलेज कर दो ठीक है तो बच्चों को तो ये तो मालूम होना चाहिए आपके स्कूल का क्या नाम है पूरा बच्चों को लिपिल की फ्लावर्स की सारे योर क्लास टीचर नेम योर प्रिंसिपल नेम ये सब आना चाहिए ना बच्चों को कौन से आपका कहाँ पे पढ़ता है जैसे आचार्य नगर है पूरा दे दो ठीक है अभी कोई प्रॉब्लम विटवीन वाले में देखिए मैडम हमको नहीं पता क्या हुआ क्या यहाँ पे जो टीचर्स लगे हुए थे 20 इयर्स से जो है और इधर 10 साल से इधर 8 साल से कुछ तो जा चुके देखिए उसी लालच वच वो पड़े हुए थे ठीक है तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया भाई ऑब्वियसली सी बात है ड्रॉप करना उनकी मजबूरी है हाँ एज भी वहाँ कुछ कोई 50 का हो गया कोई 40 का हो गया सबको क्या पढ़ाता रहेगा हाँ जिम्मेदारियाँ हैं और उसके बाद कुछ तो है वो भी वो लालच वस नहीं है वो एज एक मतलब कि है टाइम पास आप समझ लो हाँ कहीं ना कहीं हम लगे हुए हैं और स्कूल का क्या है कि हो सकता है आज नहीं तो कल को लिस्ट में आ ही जाए भाई मान्यता प्राप्त स्कूल है आपका पहला मान्यता प्राप्त स्कूल यही है लिटिल फ्लावर इंटर कॉलेज हो सकता है आज नहीं कल इसका फ्यूचर हो जाए चमन क्या अभी लिस्ट में नहीं आया है मतलब उस तरह से लिस्ट में नहीं आया कि अगर गवर्नमेंट को किया जाए यहाँ पे नहीं तो 6-6 माह में ये जो पिछले आपकी जो सरकार बनी है इन्होंने तो किया नहीं था मोदी सरकार बिल्कुल नहीं तैयार है तो पहले वाला था हाँ अखिलेश टाइम जिस टाइम था उस टाइम मिल रहा था मानते और आई थिंक वही अक्टूबर या नवम्बर में कम्प्लीट हुआ और इधर फरवरी में आपके इलेक्शन स्टार्ट हो गए तो 6-6 महीने का 2 महीना आपका बैंक में सारा मतलब पैसा आया वो भी 6,000 समथिंग एक आया था बी एड हाँ वही 12-13 हज़ार लगभग यही आया नहीं नहीं दो का बता रही हूँ 2 बार का 10-12 हज़ार सब मिला के तो ये आया तो कहते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा तो है तो कुछ नहीं लेकिन सरकार के उससे पैसा तो उनके खाते में आ गया तो कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं और वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिना प्राइवेट स्कूल के कोई भी बोर्ड की ड्यूटी और इंटर की ड्यूटी जो होती है वो नहीं कर सकता अगर प्राइवेट स्कूल नहीं है आप उसको ख़त्म कर रहे हो तो आप समझ लीजिए क्या करेंगे
कॉपी कौन चेक करेगा? कोई नहीं चेक करेगा। हमारे यहाँ के भाई, हमारे यहाँ के अध्यापक जाते हैं चेक करने, बाकी और भी जितने ऑलमोस्ट हैं लालगंज में वो सब जा रहे हैं। ठीक है, आप इनको अभी स्टॉप कर दोगे? आप पूरा अपना बिल्कुल लाने वाले गवर्नमेंट पे आप जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में आप चले जाइए। कौन से शिक्षित हैं? लक्ष्य है प्राइमरी में जो पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षित है? अपने आप को बता रहे हैं कि वो जो है कि पहले ये विषय के का भी करता था ना। हाँ हाँ, तो विषय में जैसा भी कि मेरा नाम इलाहाबाद मंडल से है या लखनऊ मंडल से, मेरी शादी हो गई थी, हमारे ससुराल वाले लोग बिल्कुल जागरूक नहीं थे। तो आपका तो बी एड और नेट क्वालिफाई है ना? आपका तो आपका नेट क्वालिफाई है आप? अच्छा, बी एड सेट प्लस नेट क्वालिफाई जी जी। लेकिन अगर उसे बस वही चीज है आपका पेंशन में क्या करेंगी आप? थोड़ी है, जब नहीं है नहीं था भाग्य में। क्यों नहीं? नहीं, मान सम्मान नहीं है, हम अपना भी एक ये रहता है कि नहीं, हम सेल्फ डिपेंड है। आप मानेंगे नहीं, बचपन से ही मतलब जो हमारा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, फर्स्ट डिवीजन इंटर, इस तरह हम पढ़ते चले गए, अच्छे नंबर आते चले गए, जी जी, शुरू से मतलब हमारा थॉट था लेक्चरर का इंटर का, जी जी, इंटर कालों की लेक्चरर का थॉट का तमन्ना थी, लेकिन सब तमन्नाएं पूरी हो गई हमारी, वो तमन्ना नहीं, अब पूरी भी शायद। अब देखिए, इच्छाएं अपनी होती हैं लेकिन नहीं पूरी होती, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अच्छा, के लिए शॉप इतना बात इतना तो अभी आप अकेले रहते हैं घर में, आप और आपके दो बच्चे? कहाँ पे है विलेज? आप क्यों परेशान हो रहे हो? अभी बहुत छोटी बच्ची है आपकी, बिल्कुल क्या करेंगी आप उसको, ना इंसाफी समझिए या कुछ भी समझिए, वो जो हमको नहीं हमारे दबाव नहीं, उनको आप मोटिवेट करते रहिए, दबाव मत डालिए, किसी चीज का प्रेशर बच्चों पे मत दीजिए, आप बस उनको बोलते रहिए, उनका खुद रुझान बन जाएगा पढ़ाई की तरफ, जिससे कि मुझे पढ़ना है। और यहाँ दिमाग नहीं, हमारे यहाँ से कुसुम तो पी एच डी कम्प्लीट था, नहीं बी एड और टेट क्वालिफाई थी, बी एड उनका घर काफ़ी दूर बन गया है तो यहाँ आने में उनको प्रॉब्लम होती है, और 60 कंप्लीट भी होने वाली है, वो चीज़ नहीं रह गई है। हाँ, काफ़ी दूर से आना जाना, और फिर उनके घर में भी काफ़ी बोलती मैम वर्क भी बहुत है, जबकि हम भी नहीं चाह रहे थे कि वो जाएँ, हमें लग रहा है वो 20 सालों से हैं यहाँ पे। शिक्षा मित्र वालों का भी 10,000 रुपये आए हैं, उसके बाद उनके लिए फिर भी ठीक है, हम तो फिर भी ठीक मानते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हम मानते हैं, हम भी यही चीज़ मानते हैं। देखिए, आपके और हमारे सोचने से नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जो निर्धारित कर देगी, और गवर्नमेंट अगर चाहेगी मुझे ये नहीं करना है, चाहे वो आप हाई कोर्ट से उससे ले लो, चाहे जहाँ से उससे ले लो, वो उस पर प्रतिबंध लगा देगी। और बिक्री सी बात है, प्रधान है गांव का, उससे कर दिया उठा के, ठीक है,
उस टाइम उनके सरकारी उसके बाद आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, और कहा तो जा रहा है कि आप टेट क्वालिफाई करिए, आपके अंदर योग्यता है, आप टेट क्वालिफाई करिए। लेकिन ये जो निर्णय हुआ है जो बहुत अच्छा हमको मानते हैं, कुछ निर्णय अच्छे हुए हैं, कुछ नहीं अच्छे हुए हैं, लेकिन ये तो ये तो सही है, ये तो बहुत अच्छा। और अब तो बी एड टेट क्वालिफाई हमारे यहाँ टीचर समझ लीजिए 4,000, 3,000, 5,000 में पढ़ा रहा है जी। शायद कुछ एक दो ने अभी जो मीडियम है 2-2.5 लाख क्या होता है आप बताइए, ये जो 2-2.5 प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना, नया शॉप करेंगे। अरे सीबीएसई बोर्ड किया हो गया तो नहीं, सीबीएसई बोर्ड कभी तो इसको मुझे पता है, मैम बताती हैं कि आज से 10 साल पहले यहाँ पे एक क्लास में 4 सेक्शन चलते थे। वही तो मैं मैम से पूछती हूँ अभी ऐसा क्या हो गया कि एक सेक्शन में भी इतने स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास। मेन प्रॉब्लम यही बताती है कि मोहल्ले में इतना स्कूल हो गया, स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन बहुत है पढ़ाई के नाम पे जीरो, बिल्कुल जीरो। हम तो चाहते हैं नहीं नाम फिर भी सही है, वो भी बेकार। अभी फिर भी सही है, अभी वाला फिर भी सही है पढ़ाई के मामले, अभी इंटरनेशनल जयशंकर वाला फिर भी सही है। जी जी वॉट इज मी हु इज योर होगा माइंड दे टू दिया। नहीं बात की सही है, पता नहीं What is the name of your class?